ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम काफी आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन भारत की दूसरी पारी में बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। यहां पर टीम इंडिया संघर्ष करती हुई नजर आई और आखिरकार श्रेयस अय्यर ने वो कारनामा कर दिया जिनकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। मैच के चौथे दिन बहुत कुछ इस मुकाबले में देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने कई सारे बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए हैं, जहां पर दिग्गज बड़े बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है, तो वहीं पर चेतेश्वर पुजारा ने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिनको कोई भी छूना नहीं चाहेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मैच के चौथे दिन क्या हुए बड़े कारनामे और इस मुकाबले में क्या हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पहले तो आइए जानते हैं इस मुकाबले के चौथे दिन क्या हुआ, उसके बाद जानेंगे उन रिकॉर्ड के बारे में जो इतिहास के पन्नों पर कैपिटल अक्षर में दर्ज हो गया है। मैच के चौथे दिन रविवार को टीम इंडिया ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 14 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन टीम की अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। चेतेश्वर पुजारा 22 रन बनाकर काइल जैमिसन की गेंद पर आउट हुए, अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर और मयंक अग्रवाल 17 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया और लग ये रहा था कि टीम इंडिया अब यहां से संभल नहीं पाएंगी और पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले रविंदर जडेजा शून्य पर आउट हो गए और इसके बाद तो सारी उम्मीदें ही खत्म हुई। रविंदर जडेजा को टीम साउदी ने आउट किया। 51 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद लगा कि टीम इंडिया अब जल्दी सिमट जाएंगी, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और रविचंद्र अश्विन ने अर्धशतकीय साझेदारी करके टीम को संभाला। दोनों ने 52 रन जोड़े। अश्विन 62 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। रन की चोट से परेशान थे रिद्धिमान शाह, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 7वें विकेट के लिए अय्यर के साथ 64 रन जोड़े। श्रेयस अय्यर 125 गेंद पर 65 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। शाह ने 8वें विकेट के लिए अक्षर पटेल के साथ 67 रनों की नाबाद साझेदारी करी। शाह 126 गेंद पर 61 रन बनाकर नाबाद रहे। 4 चौके और 1 छक्के लगाए। अक्षर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने 284 रन का लक्ष्य रख दिया है। रविवार को टीम ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 234 रन बनाकर घोषित कर दी। टोटल 284 रन का लक्ष्य अब न्यूजीलैंड के सामने है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। विल यंग 2 रन बनाकर रविचंद्र अश्विन की गेंद पर आउट हुआ। हालांकि रिप्ले में साफ था कि गेंद विकेट पर नहीं लग रही थी, वे LBW नहीं थे, उन्हें आउट करार दे दिया गया। लेकिन अब आइए जानते हैं चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर का वो रिकॉर्ड जो आपको हैरान करेगा। इसका बल्ला पिछले काफी दिनों से खामोश है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 26 रन बनाए और टीम साउदी की गेंद पर आउट होकर वापस लौट गई, तो वहीं पर दूसरी पारी में भी पुजारा ने नेगेटिव बल्लेबाजी की और वो सिर्फ 22 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में उन्हें काइल जैमिसन ने आउट कर दिया। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया के बीच मझदार में ही छोड़कर चलते बने। भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी हो गया है, जैसे कोई भी इंडियन बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा। पुजारा ने भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2019 से खेली गई 39 टेस्ट पारियों में पुजारा के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है। पुजारा ने पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर की भी बराबरी कर ली है। वाडेकर ने 1968 से 1974 तक एक शतक नहीं जड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक रिकॉर्ड चेतेश्वर पुजारा के नाम हुआ है। तो वहीं दूसरी जगह श्रेयस अय्यर ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, क्योंकि ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया। इन दोनों पारियों में कुल मिलाकर उन्होंने 170 रन बनाए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रेयस अय्यर भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आगे हैं, जहां पहले लाला अमरनाथ 156 रन के साथ मौजूद थे। भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 187 रन के साथ शिखर धवन पहले नंबर पे, तो वहीं पर 177 के साथ रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने में तीसरे पायदान पर अब श्रेयस अय्यर ने अपना नाम कर लिया है, जो 170 रन बना चुके हैं। चौथे पायदान पर लाला अमरनाथ को खिसका दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की तरफ से डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50+ का स्कोर बनाने वाले
वाले तीसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले साल 1933 में दिलबर हुसैन और फिर साल 1970 में सुनील गावस्कर ने यह कमाल किया था। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने दो बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं श्रेयस अय्यर की इनिंग के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।